रिकॉर्ड्स का जुम्मा बाजार लगा हुआ है जी, और बाबर आजम जो हैं वो सबसे बड़े स्टॉल पे खड़े हुए और कह रहे हैं लाओ रिकॉर्ड, मैं रिकॉर्ड तोड़ के दिखाता हूँ। तो बाबर ने एक और रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप में किया अपने नाम, 5 इनिंग्स में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बने हुए हैं। जॉस बटलर को छोड़ा है पीछे, 264 रन बना चुके हैं, उनके दूसरे ही नंबर पे जॉस बटलर हैं जिन्होंने 240 रन बनाए हैं, और उसके नीचे जो हैं वो चरित हैं, लेकिन वो जा चुके हैं असलांका, चरित असलांका, एंड सैड टू सी हिम गो, लेकिन वो अच्छा खेल रहे थे। और फिर जो हैं वो पतुम निसनका हैं जो कि श्रीलंका के हैं, कि दोनों जा चुके हैं, जिसका मतलब ये कि रिजवान के पास भरपूर मौका है कि अब वो पांचवें पायदान से सीधा तीसरे पे आ सकते हैं, बल्कि ही वुड लाइक टू सरपास द कैप्टन एज वेल, क्योंकि रिजवान के भी अगर हम स्टैट्स दिखाएं तो वो भी कुछ हल्के नहीं है। अब जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि जुमा बाजार लगा है रिकॉर्ड्स का, सबसे बड़े स्टॉल पे खड़े हैं बाबर, तो दूसरे स्टॉल पे रिजवान खड़े, वो कह रहे हैं कि जी मैं भी पीछे नहीं हूँ, और रिजवान जो है एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। क्रिस गेल का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, 41 मैचेस, 38 इनिंग्स, 1676, और इस कैलेंडर ईयर में भी इनके पास पूरा पूरा मौका है कि इसको मजीद आगे लेके जाएंगे। इससे पहले क्रिस गेल थे, और क्रिस गेल ने 36 मैचेस 36 इनिंग्स करके 1665 रन उन्होंने बनाए थे, और यू नो अभी तक उनका वर्डिक्ट आना बाकी है कि वो हैं कि नहीं हैं। तो रिजवान की हमने बात की और बाबर आजम की बात की, बट नाउ अब हम बढ़ते हैं एक, जैसे कि हमने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा था कि जीत है वो कारपेट जिसके अंडर आप सब कुछ स्वीप कर देते हैं, लेकिन हार है वो आईना के जिसमें आपको बुराइयाँ नज़र आती हैं, और इससे पहले कि हमें वो आईना देखने की ज़रूरत पड़े, हम उससे पहले कुछ मुहासबा करने की कोशिश करते हैं।